ठीक है, चलो अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि 2000 कौन सा सन है ये, 24 में आपको जो नीट का पेपर होगा उसमें शुरू वाला जो पार्ट है वो सारा हटा दिया गया है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और मस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यू सिस्टम और स्केलेटन, नहीं नर्वस टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू, तो ये सारा आपका सारा हटा दिया गया है। उसके बाद अर्थवर्म तो बहुत पहले ही हट गया था, इस साल कॉकरोच भी उड़ गया है। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको पढ़ना क्या है, फ्रॉग के बारे में। बाय द वे, ज़्यादा खुश होने की बात है ही नहीं, क्योंकि हम लोग मसल्स तो बेटा लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं, और वहाँ पे हम बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं, तो वो तो कुछ डिलीट हुआ नहीं। और याद है आपको फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते ब्लड के बारे में, तो ब्लड हम कहाँ पढ़ते, ब्लड हम कहाँ पढ़ते सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, तो वो जो मैं जैसे जैसे आपको ऑर्गन्स पढ़ा रही हूँ तो वैसे हम पढ़ भी रहे हैं। जैसे आपने पढ़ा था बुमन कैप्सूल के अंदर स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, याद आ रहा है, ब्लड वेसल्स में कैपिलरी में भी एंडोथीलियम होता है, पीसीटी में आपने क्यूबॉर्डल पढ़ा होगा है ना। बट उसमें ध्यान रखना क्यूबॉर्डल कैसा होता है, ब्रश बॉर्डर होता है ना। और इसके अलावा आपने हैनली के लूप में स्क्वैमस पढ़ा था, पीसीटी में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में आपने क्यूबॉर्डल पढ़ा था, याद है। तो वो एक्चुअल में चैप्टर जो है थोड़ा बहुत रिविजन था जिस पार्ट को हटा दिया गया है। और न्यूरल टिश्यू तो आप लोग सिंपल कहाँ पढ़ते हो, ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ते हो, न्यूरल है ना, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। हाँ, ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हमने फ्रॉग हटा दी, कॉकरोच हट गया हमारा, और अर्थवर्म तो बेटा सबसे घिनौना था। मैंने तो सेगमेंट याद कर करके बड़ी मुश्किल से याद किए थे और सिलेबस से हटा दिया, बताओ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम शुरू करते हैं फ्रॉग से। एंड फ्रॉग पढ़ना लिटरली बहुत आसान है, क्योंकि फ्रॉग आपसे बड़ा मैच करता है। क्योंकि देखो, अगर आप बात करोगे आप मैमल्स हो, मैमल्स कहाँ से डेवलप हुए, रेप्टाइल्स ही, और रेप्टाइल्स कहाँ से डेवलप हुए, एम्फीबियन से। तो इस चीज़ में आपको काफ़ी सिमिलरिटी मिलेगी। पर नहीं, आप अगर कॉकरोच को देखोगे तो कॉकरोच तो बेटा इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट में ना तो किडनी होती है ना हार्ट होता है, तुमसे तो बिल्कुल अलग है, तो वहाँ पढ़ने में उसको दिक्कत होती है। पर एम्फीबियंस को पढ़ने में बड़ी आसानी है फ्रॉग को। तो शुरू करते हैं, टॉपिक कौन सा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिसमें हम बात करेंगे क्या, फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग में सबसे पहले शुरू करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। आप जानते हो कहाँ से बिलोंग करता है ये? नहीं पता? तो आपने कीप, पोट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, किंगडम बताइए कौन सा है, फंजाई या बैक्टीरिया किंगडम? क्या बात है, कौन सा किंगडम है, एनिमेलिया। फाइलम क्या होगा इसका, कॉर्डेटा है कि नॉन कॉर्डेटा? कॉर्डेटा। क्लास क्या होती है इसकी? ओहो, नहीं, क्लास इसकी होती है ए न्यूरा। ऑर्डर छोड़ दो काम के लिए, अब ए ए न्यूरा क्या होता है, और फैमिली भी छोड़ दो काम के लिए। ए मतलब होता है अब्सेंट, एंड न्यूरा मतलब होता है टेल। तो इनके अंदर टेल क्या होती है, और सही बात है, फ्रॉग के अंदर पूंछ होती है क्या, कितनी अजीब लगेगी नहीं, अगर होगी भी तो। चलो, जीनस कौन सा होगा, स्पीसीज क्या होगा, साइंटिफिक नेम क्या है फ्रॉग का, राना टिग रीना, राना टिगरीना। और पता है कि हमने किसका नाम लिखा है, इंडियन बुल फ्रॉग का, ये हमने किसका नाम लिखा है, इंडियन बुल फ्रॉग का। तो बस ये क्लासिफिकेशन इतना हो गया, बाकी टेट्रापोडा क्या होते हैं वो आप प्लीज़ एनिमल किंगडम में पढ़िए या नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट तो बताइए फ्रॉग कहाँ रहता है, क्या बात है, ये एम्फीबियन है। हाँ, तो एम्फीबियन होने की वजह से कहाँ रहेगा, एम्फीबियन से। तो एम्फी मतलब क्या होता है, बोथ, एंड बोथ मतलब जमीन पे भी और पानी में भी। ठीक है, पर पानी कौन सा, फ्रेश वाटर कि मेरीन वाटर। फ्रॉग को आपने कभी ओशन के आसपास देखा है क्या? नहीं। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, एक्वेटिक, और एक्वेटिक में भी कहाँ पे, ये आपको सिर्फ मिलेगा पॉन्ड, लेक, रिवर के पास आसपास ना, फ्रेश वाटर में मिलता है। नाउ क्वेश्चन, ये रहता तो जमीन पे है ना,
बट कभी कभी पानी में चला जाता है, क्यों? बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जमीन पे रहने में इसको क्या दिक्कत है, हमारी तरह रह लेता है इसको। वेरी नाइस, एक आंसर आया फर्टिलाइजेशन। फ्रॉग के अंदर और फिश में आपने सुना होगा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है ना। तो फ्रॉग अपने स्पर्म हो गए चाहे एग हो गया, दोनों भी कहाँ रिलीज कर देते हैं, पानी में। तो पानी एक तो इसके लिए चाहिए क्या, फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। दूसरा और बताइए, जमीन के जो दुश्मन होते हैं, कोई प्रेडेटर इसके पीछे पड़ गया तो ये भाग के पानी में चला जाएगा, तो ये बच गया ना, ठीक है। और तीसरा, फ्रॉग बेटा स्किन के थ्रू रेस्पायर भी करता है, ब्रीद करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और CO2 का, किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। क्या आप कर सकते हो? नहीं ना, तो फ्रॉग क्यों कर सकता है? मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए। पहली बात, वेरी नाइस, स्किन क्या होनी चाहिए, मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्किन सूख गई तो वो ड्राई हो जाएगी और ड्राई स्किन कभी भी गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो पहले मॉइस्ट होना चाहिए, बाकी और पढ़ेंगे। एंड ये अभी अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए कहाँ चला जाता है, पानी में, ठीक है। तो इसमें पानी में जाने के लिए इसके तीन रीज़न है। एक तो क्या होगा, इसमें यहाँ पे होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी में जाता है, एंड दूसरा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए पानी में जाएगा। मतलब ये अपनी स्किन को बेसिकली क्या कर रहा है, मॉइस्ट करने के लिए वो जा रहा है पानी के अंदर। और तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज, और एनिमीज भी कौन से, जमीन वाले, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि जो फ्रॉग है वो कोल्ड ब्लडेड होता है कि वार्म ब्लडेड होता है ना? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इस दुनिया में ध्यान रखना, वार्म ब्लडेड सिर्फ दो ही लोग हैं, बर्ड्स और मैमल्स। बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ दो तो बैक्टीरिया, फंगस, मोस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, ठीक है, और प्लस फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और सभी इनवर्टिब्रेट्स, ये सभी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये एटमोसफियर के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं कर सकते मेंटेन। तो ध्यान रखना, इस दुनिया में वार्म ब्लडेड एनिमल सिर्फ दो ही है बेटा, कौन कौन से, फिश और नहीं, बर्ड्स और मैमल्स, बस दो लोग, ठीक है। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि जब समर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया या विंटर जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया तो ये अपने आप को बचाएंगे कैसे फिर? और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि बाहर का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री तो बॉडी का भी 20 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 10 बॉडी का भी, बाहर का टेम्परेचर 50 तो बॉडी का भी, मर जाएगा बेटा 50 पे, वो जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, बाहर का टेम्परेचर 10 तो अंदर का टेम्परेचर भी 10, बाहर का टेम्परेचर 4 तो 4 पे तो बेटा आइस क्यूब बन जाता है, हैं, और फ्रॉग का तो क्यूब बन जाएगा, आइस क्यूब, और फ्रॉग मर जाएगा बेटा। तो फ्रॉग अगर मान लो बहुत इंटेंस विंटर हो या इंटेंस समर हो तो वो अपने आप को बचाते कैसे, एस्टिवेशन या हाइबरनेशन से। मैंने एक यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखा था, बहुत अच्छा था, ठीक है। उसमें एक भले आदमी ने एक काम किया था, मगरमच्छ को बचाया था, कैसे बचाया था, तुमने भी देखा था, बता दिया कि मैंने, चलो सुनो। तो एक्चुअली आप जानते हो कि बेटा जब बाहर विंटर होना शुरू होता है तो पानी की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आइस के अंदर, और आइस आप जानते हो हीट का इंसुलेटर हो जाता है, तो अंदर वो पानी को जमने नहीं देगा फिर। अंदर तो पानी जो टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, 4 डिग्री से ज़्यादा ही मिलेगा, मतलब ये कंपेरेटिवली वार्म होगा बाहर एटमोसफियर के कंपेरेटिवली, है ना। अब बाहर मान लो टेम्परेचर कितना हो गया, माइनस में 10 डिग्री हो गया। अब जो मगरमच्छ होता है, क्रोकोडाइल होता है, वो रेप्टाइल्स है, एंड रेप्टाइल्स भी क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड नहीं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो मगरमच्छ क्या करते हैं, इस तरह के पानी के अंदर ये अपना नाक जो है बाहर निकाल देंगे, आई नो बहुत ख़राब नाक बनाए, और ये इसके नोस्ट्रिल है, ठीक है, बस ये इतना निकाल देंगे और बाकी बॉडी का जो सारा पोर्शन है वो पानी के अंदर रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो एक भले आदमी को लगा कि बेचारा मगरमच्छ फंस गया है बर्फ़ में, तो उस आदमी ने क्या किया, बड़ी मेहनत से, सोचो इतनी रिस्क लेके, मगरमच्छ का जबड़ा है बेटा, इतनी हड्डियां तोड़ सकता था, उसको खा सकता था, पर इंसानियत उसकी ओवरटेक कर गई रिस्क से, और उसने यहाँ की बर्फ़ तोड़ी, यहाँ की भी बर्फ़ तोड़ी, और तोड़ के फिर इस मगरमच्छ भैया को ऊपर ले आए और मगरमच्छ भैया को यहाँ रख दिया।
अब बाहर का टेम्परेचर कितना, इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, अब मर गया मगरमच्छ। जरूर वो बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं था, अगर था तो शायद आप ये गलती ना करें, है किसी को बचाने के चक्कर में, ऐसा नहीं कि मार दे। तो सही बात है, सुनो, जैसे सांप हो गया या फ्रॉग हो गया, सुनना आप ध्यान से, जब बहुत ज़्यादा विंटर आ जाता है या बहुत ज़्यादा समर होता है तो ज़मीन की अंदर चले जाते हैं, क्योंकि बेटा समर विंटर ये जो एटमोस्फेरिक चेंजेस होते हैं वो हवा में होते हैं, ज़मीन में नहीं होते, है ना। तो ज़मीन के अंदर का टेम्परेचर क्या है, वो तो नॉर्मल है। फ्रॉग काफ़ी डीप में जाके और सांप भी वहाँ जाके छुप के बिल्कुल एकदम शांत हो जाते हैं, बॉडी में ज़ीरो एक्टिविटी आपको मिलेगी, ज़ीरो एक्टिविटी। तो कभी आप मान लो खुदाई करोगे तो आपको लगेगा अरे वाह फ्रॉग मिला है मरा हुआ, सांप मिला है मरा हुआ, बिल्कुल उनके साथ उनको मरा ना माने, वो भी इनएक्टिवेटेड है, जिसको आप हाइबरनेशन एसिवेशन बोलते हो। तो अब मैंने बोला कि उनकी बॉडी में ज़ीरो मूवमेंट होगा, इसका मतलब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान वो अपने लंग्स यूज़ नहीं करते। देखो लंग्स जब आप यूज़ कर रहे हो ना तब आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, अगर मैं लंग्स यूज़ करना ही बंद कर दूँ तो बॉडी एकदम शिथिल हो जाएगा, बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। पर आप सोचोगे मैडम फिर फ्रॉग जिंदा कैसे, जब वो लंग्स यूज़ नहीं कर रहा है तो ज़िंदा कैसे, तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करता है। पर आप तो सोचोगे मैडम स्किन के थ्रू तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी भी नहीं, बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन मिलेगी, और बाय द वे बेटा वो है भी इनएक्टिव। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी जब बढ़ती है ना तब आपको ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, जब वो है ही फिजिकली इनएक्टिव तो उसको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है भी नहीं बाय द वे, है ना। तो वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से आराम से काम चला सकता है, पर ऐसा आप सांप के साथ बिल्कुल ना रहें, ठीक है। ये इनएक्टिवेट नहीं है, ये मरे हुए नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी सिर्फ हाइबरनेशन एस्टिवेशन के दौरान ये शांत है, बट जैसे आपने ज़मीन खोदी तो हो सकता है कि वो एक्टिव होकर आपको काट सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, और ऐसी भलाई तो आप बिल्कुल कहीं ना करें। नहीं ये मेरा पढ़ाना ज़रूरी था, मैंने इस तरह से बहुत सारे एनिमल को बचा लिया है, ठीक है ना। इधर देखिए आप, तो इस तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब एक्सट्रीम समर होता है तो उस दौरान ये अपने आप को क्या कर लेता है, एस्टिवेशन कर लेता है, समर स्लीप जिसको आप बोलते हो एस्टिवेशन। और जब एक्सट्रीम विंटर होता है तो ये क्या कर लेता है, अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है, ज़मीन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और ऐसा इनको क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये एनिमल कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और कोल्ड ब्लडेड के लिए हम एक और शब्द यूज़ करते हैं, दैट इज़ पोई किलो थर्मल, या फिर इसको हम और बोलते हैं ऑस्मो, नहीं ऑस्मो नहीं थर्मो, टेम्परेचर है ना, तो थर्मो कन्फर्मर, थर्मो कन्फर्मर्स, इतना कोई परेशानी नहीं। अब फ्रॉग का बताइए कलर कैसा होता है, स्किन का ग्रीन होता है, ऑलिव ग्रीन होता है ना, ब्लू किसने देखा है ब्लू नहीं होता है, होता है नहीं होता बेटा, वो ऑलिव ग्रीन होता है जो तुमको ब्लू लग रहा है, येलो होता है, हमारे सिलेबस में जो फ्रॉग है वो ग्रीन है, ठीक है। आ सुनो ऑलिव ग्रीन है, तो फॉरेस्ट कैसा ग्रीन और फ्रॉग कैसा ग्रीन, ग्रीन ग्रीन में हाइड हो जाएगा, और हाइड विद इन एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, कैमोफ्लेज। तो ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे, कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज का क्या मतलब हुआ, ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग इन एटमोसफियर या एनवायरनमेंट। और हमने सबसे ज़बरदस्त कैमोफ्लेज कहाँ देखा था, ऑक्टोपस में। जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग यूट्यूब पे सर्च करना, कोई एक मिनट या दो मिनट का वीडियो, ज़्यादा रिसर्च ना करें, पीएचडी नहीं करनी है उसके ऊपर, और ऑक्टोपस में देखना आपको कैमोफ्लेज ज़बरदस्त मिलेगा, मतलब ऐसे समझो कि हर मिली सेकेंड के अंदर उसका कलर चेंज होता है, कैमोफ्लेज है ना। और उसके अलावा कैमोफ्लेज है ना, और इसके अलावा फ्रॉग अपना थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत अपना स्किन का कलर भी चेंज कर सकता है। और स्किन के कलर चेंज को हम क्या बोलते हैं, मिमिक्री, इसको क्या बोलते हैं,
तो आप इसको मिमिक्री बोल दीजिए या फिर आप इसको मेटा कोरोसिस भी बोल सकते हो, मेटा कोरोसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, प्लीज़ आप मिमिक्री पे मत जाइए, बैट्सियन और मुलेरियन मिमिक्री होती है, टाइप्स क्या होते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बस आप मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखें। हाँ, थोड़ा बहुत स्किन का कलर चेंज कर सकते हैं, जिसको हम मिमिक्री या फिर मेटा कोरोसिस बोलते हैं, है ना। हमें PhD नहीं करनी है बायोलॉजी में, क्योंकि क्या पढ़ना है फिर आगे, है केमिस्ट्री और फिजिक्स ही पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कौन सा, मॉर्फोलॉजी के बारे में क्या डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजी। तो बताइए, आपने कभी एब्डोमेन सुना है, कभी नेक सुना है, और कभी थॉरेक सुना है, और कभी ट्रंक सुना है, क्या फर्क होता है इसमें, ट्रंक क्या होता है, ट्रंक क्या होता है, क्या ये देखो, ये तो नेक होती है पता ही ना, ये ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, थॉरेक्स, ये वाला पार्ट क्या होता है, एब्डोमेन होता है। थॉरेक्स और एब्डोमेन दोनों अगर फ्यूज हो जाए तो उसे बनता है ट्रंक, फ्रॉग में ऐसा ही होता है, थॉरेक्स और एब्डोमेन नहीं अलग अलग होता है। अच्छा मुझे बताओ, थॉरेक्स और एब्डोमेन को सेपरेट कौन करता है, डायफ्राम, पढ़ा है ना, बीच में एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम क्या करता है, थॉरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर दे। एंड बाय द वे बेटा, एंड बाय द वे, डायफ्राम प्रेजेंट होना एक मेमल्स का करेक्टर है, तो फ्रॉग में डायफ्राम है ही नहीं, तो थॉरेक्स और एब्डोमेन एक ही है, तो उसके लिए हम शब्द क्या यूज करेंगे, ट्रंक। तो एक उसमें हेड होता है और एक क्या होता है, ट्रंक होता है, राइट। टेल तो होती नहीं है वैसे भी, है ना। अब फ्रॉग के अंदर चार हाथ पैर होते, दो हाथ होते, दो पैर होते हैं, तो दैट्स वाई हम फ्रॉग को क्या बोलते हैं, टेट्रापोडा, चार हाथ पैर ना, टेट्रापोडा, जिसमें आगे वाले जो फोर लिम्स होते हैं, आपके फोर लिम्स में कितने फिंगर है बेटा, प्लीज क्लास डिस्टर्ब नहीं करें, है ना, कितने, पांच फिंगर है आगे वाले में, फ्रॉग में थंब नहीं होता है, तो कितने हो गए, चार हो गए, पर पीछे वाले पैरों में पूरी पांच अंगुलियां होती है, ठीक है। अब अगर बात करें क्या मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, कैसे, जो टर्टर बोलता है, टर्टर कौन बोलता है, मेल बोलता है बेटा, फीमेल गूंगी होती है फ्रॉग में, वो बोल नहीं सकते, एक प्लीज ऐसा ना करें, बहुत इनसेंसिटिव एक्शन था आपका, ठीक है। तो फीमेल जो है बोल नहीं सकती, तो वोकल सैक किसके पास प्रेजेंट होते हैं, मेल के पास होते हैं। अब इसके अंदर थंब तो नहीं होता ना, ये वाला फिंगर कौन सा होता है, अरे इस फिंगर को क्या बोलते हो, इंडेक्स फिंगर ना, एग्जैक्टली। जो मेल होता है उस मेल के अंदर जो इंडेक्स फिंगर होता है, यहाँ पे एक पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को होल्ड करने के लिए होता है, तो उसको बोलते हैं कॉपुलेटरी पैड। तो वोकल सैक और कॉपुलेटरी पैड से आप क्या पहचान सकते हो कि वो मेल है ना, उसको छोड़ दो तो बाकी कौन है, फीमेल है, तो आपको फ्रॉग में क्या मिलेगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है ना। और एक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चीज सुनना, अगर जैसे हमारी बात की जाए ह्यूमन के अंदर, तो यूरिन का पोर, स्पर्म या फिर एग का पोर और स्टूल का पोर, एनस, इन सब के रास्ते अलग अलग होते हैं। फ्रॉग और रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, देखना जरा ध्यान से, यूरिनरी ब्लैडर होता है तो ये इसकी ओपनिंग है, फिर ये जेनाइटल ओपनिंग हो गई है ना, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक की ओपनिंग हो गई, ये तीनों ओपनिंग एक ही जगह पे ओपन होती है, और इस जगह को हम बोलते हैं क्लॉइका, क्लॉइकल चैम्बर या फिर क्लॉइका बोल दीजिए। एंड फिर फाइनली यहाँ पे जो है ये क्या होता है, दिस इज क्लॉइकल ओपनिंग हो गया, तो यहीं से स्टूल, यूरिन और गैमेट्स सभी यहाँ से बाहर आते हैं। तो आप तो सोचोगे मैडम स्पर्म और एग तो मिक्स हो जाएंगे स्टूल और यूरिन में, नहीं होंगे बेटा, एट अ टाइम कोई एक रिलीज होता है, मतलब जब स्पर्म और एग रिलीज होंगे तब बेटा स्टूल और यूरिन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे यूरोजेनाइटल ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक और नहीं यूरिनरी पोर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक और कौन सा डाइजेस्टिव ट्रैक, इन सबकी एनस मतलब बात हो रही है, तो इन सबकी ओपनिंग एक ही चैम्बर में होती है, उस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, क्लॉइका। एंड क्लॉइका आप आगे जाके बर्ड्स में भी पढ़ोगे, है ना। चलो तो ये क्लॉइकल बर्ड होता है, इसलिए आपने देखा होगा बर्ड्स के अंदर जो स्टूल बाहर आता है ना वो पेस्ट के फॉर्म में बाहर आता है, क्योंकि उसमें यूरिन भी मिक्स कर दिया जाता है और स्टूल भी मिक्स कर दिया जाता है, तो दोनों के मिक्स होने पर सॉलिड और लिक्विड मिक्स होकर क्या बन जाता है, उसका
पेस्ट बन जाता है या पैलेट बन जाता है ना। चलो तो फ्रॉग के अंदर बात करते हैं इसमें अब मॉर्फोलॉजी के बारे में। फ्रॉग के अंदर मॉर्फोलॉजी के बारे में, तो फ्रॉग के अंदर एक आपने सुना होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक आपने देखा होगा फ्रॉग के बिल्कुल बीच में एक मिड लाइन होती है, होती है ना, ठीक है, दिस इज मिड लाइन। और ये वाला पार्ट कौन सा है इसका, हेड वाला पार्ट हो गया, और इसमें ये ट्रंक वाला पार्ट हो गया। तो आप तो सोचोगे फिर इसका नेक तो है ही नहीं, और सही बात है, इसमें नेक नहीं होती है, याद रखने की बात, काम आएगी आगे, और यहाँ से एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, नेक फ्रॉग में नहीं होती है, ठीक है। और ट्रंक होता क्या है कि जब आप थॉरिक्स और एब्डोमन को क्या कर देते हो, फ्यूज कर देते हो, तो इसके फ्यूजन से क्या बनता है, ट्रंक बनता है, राइट। अच्छा, अब इसमें फ्रॉग के अंदर जो आंखें होती है वो जनरली क्या होती है, सर से बाहर निकली होती है, ऐसा लग रहा है कि फ्रॉग आपको डरा रहा है, पर डरा नहीं रहा है बेचारा, बेचारे उसकी आंखें ही बाहर है, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट होती है, राइट। एंड फ्रॉग के अंदर ये वाला कान, ये वाला पार्ट होता है क्या, नहीं, इसको हटा दो। तो इसके अंदर क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, सिंस इसमें ईयर पिन्ना अब्सेंट होगा तो इसके आई के पीछे वाली साइड में यहाँ पे आपको बिल्कुल बाकायदा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, हालांकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, पर वो इस तरह से दिखाई देगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोल दो या फिर बोल दो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और अभी हमने बोला था कि इसके अंदर क्या अब्सेंट होगा, ईयर पिन्ना क्या होगा, अब्सेंट होगा, ये क्लियर हो गया ना। हो फिर इसके अलावा ये तो क्या हो गया, इसमें छोटी सी नॉस्ट्रिल बना लेते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर लिम्स के बारे में बात करें, वन टू थ्री एंड फोर, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके फोर लिम्स हो गए। और इसमें फोर लिम्स के अंदर कितने डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फोर डिजिट्स आपको, चार हाथ पे चार उंगलियां दिखाई देगी, है ना। तो सेम लाइक इधर भी बना लेते हैं, वन टू थ्री एंड फोर, थोड़ा ऐसे हो गया, ठीक कर लेना, उनको बराबर ऐसे बना देना, है ना। तो इसमें आपने पढ़ा होता कि मेल फ्रॉग के अंदर जो फर्स्ट डिजिट होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, और इसके इंडेक्स फिंगर पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन सा, कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड का क्या काम होता है, देखिए फ्रॉग के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्या होता है, तो फीमेल को कब पता चले, मान लो मेल ने स्पर्म रिलीज कर दिया मॉर्निंग में, और फीमेल ने मान लो एग रिलीज ही नहीं किए, तो स्पर्म तो मर जाएंगे थोड़े समय बाद। तो यानी इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए क्या, सिंक्रोनी, है ना, मतलब दोनों को मेल और फीमेल गैमेट्स एग और स्पर्म सेम टाइम पर रिलीज करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, फीमेल होती है, मेल होता है, दिस ओवरराइड द फीमेल एंड देन ये कॉपुलेटरी पैड से उसको प्रेस करेगा, और प्रेस करने पर फीमेल को सिग्नल मिलता है कि नाउ मुझे अब क्या रिलीज करना है, एग रिलीज करना है, और उसी टाइम मेल भी क्या रिलीज कर देगा, स्पर्म। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं नप्टियल पैड, या फिर इसको बोला जाता है क्या, कॉपुलेटरी पैड। तो कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होना किसका करेक्टर हो गया, कॉपुलेटरी पैड। और फिर मैंने अगर बात की थी कि मेल के अंदर आपको, मेल फ्रॉग के अंदर दो चीज़ें दिखाई देगी, मेल फ्रॉग के अंदर क्या क्या पड़ा था, एक तो कॉपुलेटरी पैड होगा, कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे लिख देना ओनली इन मेल फ्रॉग, एंड दूसरा आपने पढ़ा था यहाँ पे वॉकल सैक, ठीक है, वॉकल सैक प्रेजेंट होगा। नाउ अब बात करते हैं हाइंड लिम्स के बारे में, वन टू थ्री फोर एंड
5. ये मैं सही क्यों नहीं बना रही हूँ? वन टू थ्री फोर एंड फाइव. तो ये क्या हो गया इसमें? ये हो जाएंगे इसमें हाइंड लिम्स. और हाइंड लिम्स के अंदर आपको कितने डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं? टोटल 5 डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं. अब आप लोगों ने कभी बत्तख को देखा है? पानी के अंदर आराम से तैर सकती है क्या? आप फिंगर ऐसे करके पानी में तैर सकते हो? है नहीं ना? तो आपको कैसे करना पड़ेगा? ऐसे. तो इसके जो डिजिट्स होते हैं पीछे वाले, फ्रॉग भी अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? पानी के अंदर. तो इसके जो पीछे वाले डिजिट्स होंगे, इनके अंदर आपको यहाँ पे एक पतली सी मेम्ब्रेन दिखाई देगी. तो इसकी वजह से क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इसके जो डिजिट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं? बेटा टेम्परेचर और कम कर दो. ठीक है, तो इसके जो हाइंड वाले जो लिम्स होते हैं वो कैसे होंगे? आपको वेब्ड दिखाई देंगे. ये वाला पार्ट बताइए क्या हो सकता है? अभी तो पढ़ाया था क्लॉय का बेटा. ठीक है, इसमें एक ही कॉमन ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्लॉय का. तो दिस इज क्लॉयकल ओपनिंग हो गया. एंड लास्ट बात कि फ्रॉग के ऊपर इस तरह से आपको क्या दिखाई देंगे? छोटे छोटे ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी कंप्लीट. अब शुरू करें फ्रॉग की एनाटॉमी. और एनाटॉमी के अंदर डोंट वरी हम सिर्फ आज एक ही पढ़ेंगे. कौन सा? डाइजेस्टिव ट्रैक के बारे में. और बहुत आसान है, देखना. अभी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको. नहीं, और जल्दी छुट्टी हो जाएगी आपकी, डोंट वरी. चलो अब मुझे बताइए कि जो फ्रॉग होता है, जो फ्रॉग होता है वो खाना चबाता है क्या? नहीं. फ्रॉग खाना खाता है? मतलब फ्रॉग बेसिकली कार्निवोर्स होता है. वो जो भी इंसेक्ट खाएगा या जो लार्वा खाएगा पानी के अंदर, वो सीधा निगल जाएगा. तो खाना चबाना है नहीं. तो क्या दोनों जबड़ों में दांतों की जरूरत है क्या? है. तो उसमें सिर्फ दांत जो है अपर वाले जॉ में होते हैं, नीचे वाले जबड़े में दांत नहीं होते. तो इमेजिन कीजिए आप लोग, फ्रॉग जब हंसता है तो कैसा लगता होगा? नीचे वाले जबड़े में दांत नहीं है. एंड बाय द वे उसके सारे दांत एक जैसे होते हैं. कौन से? नुकीले दांत होते हैं. हाँ, नुकीले दांत होते हैं. आपको पॉइंटेड दिखाई देंगे, पॉइंटेड. चलो अब जैसे हमारे अंदर क्या होते हैं? खाने के दांत कोई और दिखाने के दांत. और सही बात है, हमारे अंदर जो हंसते हैं तो दांत कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं. और चबाने वाले दांत कौन से होते हैं? प्री मुलार और मुलार होते हैं. पर फ्रॉग के अंदर सारे दांत एक जैसे ही होते हैं. अब इमेजिन कीजिए आप कि सारे दांत ऐसे हैं, एक जैसे. ठीक है, और फ्रॉग अब हंस रहे हैं. और उसमें इमेजिन कीजिए सिर्फ ऊपर वाले जबड़े में दांत है, नीचे वाले में जबड़े में दांत ही नहीं है. कर लिया इमेजिन? बहुत अच्छी बात है. इसलिए बेटा हम लोग बोर्ड पे पढ़ाई करते हैं. नहीं, पावर पॉइंट बनाना ज्यादा आसान है बेटा, पावर पॉइंट पे पढ़ाना ज्यादा आसान है. ओके, तो अब फ्रॉग जब खाना चबा ही नहीं रहा है तो क्या उसमें स्लाइवरी सलाइवा ऐड करने की जरूरत है क्या? तो उसमें स्लाइवरी ग्लैंड नहीं होती है. मुबारक हो. ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है. अब बात करते हैं ईसोफेगस, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. ईसोफेगस की क्या मैं बोल सकती हूँ लेंथ डिपेंड करती है नेक की लेंथ के ऊपर? तो बताइए एनिमल किंगडम में सबसे लॉन्गेस्ट ईसोफेगस किसका होना चाहिए? वेरी नाइस, जिराफ का. किसका? अब अभी अभी हमने बोला था कि फ्रॉग के अंदर नेक होती नहीं है, माउथ सीधा ओपन होता है स्टमक के अंदर. ठीक है, तो ईसोफेगस होगा तो बहुत शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट ईसोफेगस. समझ गए क्यों?
क्योंकि उसके अंदर नेक ऑलमोस्ट अपसेंट होता है लेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होने जा रहा है, कौन सा? एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग की एनाटॉमी में सबसे पहला हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत आसान है, क्योंकि मैंने बोला ही था फ्रॉग आपसे बड़ा मिलता जुलता है, है? तो इसमें देखो, शुरू करते हैं सबसे पहले माउथ से। तो माउथ में दांत सिर्फ अपर जॉ में होते हैं, नीचे वाले में नहीं होते, सारे दांत एक जैसे होते हैं, तो उसको बोलते हैं होमोडोंट कंडीशन। हमारे दांत दिखाने के अलग, इंसिजर और खाने वाले अलग होते हैं, तो हम हेटेरोडोंट है ना। अच्छा, फ्रॉग हमारे जो दांत होते हैं बेटा, जो जबड़ा होता है ना, उस जबड़े के अंदर बोन हड्डी होती है, उस हड्डी के अंदर छोटी छोटी कैविटी बनी होती है, तो उस कैविटी के अंदर इस तरह से धसे होते हैं, इसलिए बेटा हमारे दांत ईजिली टूटते नहीं है। जो आपने बचपन में ट्राई किया भी होगा, बड़े मुश्किल से टूटते बेटा, इजिली नहीं टूटते हैं, तो जब है ना हड्डियों के अंदर धसे होते हैं इस तरह से। नहीं तो जो बेटा डेंटिस्ट होते हैं उनको पता, उनकी आत्मा जानती होगी कि दांत जबड़े में से कैसे निकालने होते हैं, है ना। बट फ्रॉग के अंदर क्या परेशानी होती है कि ऐसे नहीं होती है, उसमें दांत सिर्फ हड्डी के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और सही बात है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोडोंट। हमारे अंदर होता है फाइकोडोंट, इसके अंदर क्या मिलेगा? एक्रोडोंट, मतलब सिर्फ टिप बोन्स के साथ सिर्फ अटैच्ड है, तो दांत बहुत टूटने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसमें जैसे हमारे अंदर दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? दो बार आते हैं। फ्रॉग में बेटा आते ही रहते हैं, टूटते रहते हैं, आते ही रहते हैं, ऐसा मामला है ना। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है? उसमें एब्सेंट होती है, है ना। अच्छा, अभी मैंने बोला था कि इसके अंदर थ्रॉट, गर्दन नहीं है ना, तो बेटा इसमें थ्रॉट या फिर गला या फिर फैरिंग्स भी नहीं होगा। तो इसमें जो फैरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, गला वाला जो पार्ट होता है ना, वो एक्चुअली बकल कैविटी के साथ ही फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते क्या है, बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स दोनों फ्यूज हो गया, तो उसको बोला जाता है बक्को फेरिंजियल कैविटी। बक्को फेरिंजियल कैविटी एक ही होगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, पैलेट की बात करें तो आपने जैसे अपनी टंग को ऊपर की तरफ टच कीजिए आप, तो आपको इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ बकल कैविटी इज इक्वल टू पैलेट, तो ये पैलेट हो गया। अच्छा, जब आपने ऊपर टच किया तो आपको लग रहा है ना कि वहाँ पे हड्डी है, तो उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। पर आप आ करके देखा होगा तो उसमें एक घंटी जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है पीछे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवुला। और वहाँ पे आपको लगता है क्या बोन है वहाँ पे? नहीं ना, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। ऊपर की तरफ, आगे की तरफ जहाँ हड्डी प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, एंड पीछे जाके वहाँ पे हड्डी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। अब फ्रॉग के अंदर मैंने बोला कि फेरिंग्स होता ही नहीं है, वो तो फ्यूज हो जाता है बकल कैविटी के साथ, सो दैट्स वाई उसमें सॉफ्ट पैलेट भी और यूवुला दोनों ऑब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब टंग की बात करें तो हमसे थोड़ा अलग है बेटा इसकी टंग। हमारी जो टंग होती है वो एक्चुअल में ऐसी होती है, मतलब ये आगे वाला पार्ट है और पीछे वाला पार्ट है। तो आपने क्या नोटिस किया कि बकल कैविटी, सॉरी टंग जो है वो बकल कैविटी के नीचे फर्स्ट पे अटैच्ड होती है। अटैच कहाँ पे? एंटीरियर पार्ट इसका फ्री होगा, एंड जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, यहाँ पे फिक्स होगा। फ्रॉग के अंदर एग्जैक्टली उल्टा होता है, फ्रॉग के अंदर ऐसे होता है। अनुकृति ट्राई कर लिया, तो फ्रॉग के अंदर एग्जैक्टली उल्टा होता है। फ्रॉग के अंदर आगे वाला जो पार्ट होता है वो फिक्स्ड होता है, पीछे वाला पार्ट जो है उसमें फ्री मिलेगा, और वो ऐसे होता है, पीछे वाला पार्ट जो है इसमें फ्री होगा। तो फ्रॉग इंसेक्ट को कैसे पकड़ेगा? हाँ, इसकी टंग जो है पीछे वाली ऐसे बाइफिल्ड होती है, जैसे सांप की नहीं होती है, तो ये ऐसे इंसेक्ट को पकड़ेगा और ऐसे उठा के अंदर ले जाएगा। हाँ, कर लो ट्राई, ठीक है, कर लो प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि हमसे इसका टंग का ओरिएंटेशन थोड़ा उल्टा होता है, बस ये बकवास सारी लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ के बारे में। तो माउथ कहाँ पे ओपन होगा? माउथ ओपन होता है बक्को। ओए बेटा प्लीज, क्या कर रहे हो आज, तो तुम बहुत परेशान कर रहे हो। मैंने भी बोला था कि जो फेरिंग्स होगा वो बकल कैविटी दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, और इनके फ्यूजन से क्या बनता है, बक्को फेरिंजियल कैविटी बनता है। अब बक्को फेरिंजियल कैविटी के अंदर आपने क्या क्या नोटिस किया कि इसमें एक तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होगी, अब्सेंट होगी, और होनी भी चाहिए क्योंकि फ्रॉग जो है खाना चबाता नहीं है, क्रॉस मतलब अब्सेंट। फिर पीछे की तरफ
जहाँ पे फेरिंग्स होता है, उस फेरिंग्स के अंदर जहाँ पे सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट एंड यूवुला, है ना, ये दोनों भी क्या होंगे इसमें एब्सेंट होंगे. नेक्स्ट टीथ के बारे में बात करें तो टीथ के बारे में मैंने क्या बोला था कि ये क्या होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं. तो आप कॉपी में लिख लेना, एक्रोडोंट मतलब टीथ आर नॉट एम्बेडेड इनटू जॉ, ओनली टीथ अटैच विद, आप बोल सकते हो, है ना, ओनली अटैच्ड होते हैं, और अटैच होंगे तो उसके टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, तो उसको बोला जाता है पॉलीफायोडोंट. डोंट मतलब डेंटिस्ट एंड पॉली मतलब बहुत बार. जैसे हमारे अंदर दांत दो बार आते हैं जीवन में, एक बचपन में, फिर टूट के फिर वापस नए दांत आते हैं, तो हम क्या होते हैं, डाईफायोडोंट होते हैं. बट फ्रॉग के अंदर दांत जो है जीवन में कई बार आता है, तो इसमें लिख लेना आप लोग, ठीक है. तो ये पॉलीफायोडोंट होता है. और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सारे फ्रॉग के दांत एक जैसे होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सारे दांत ऐसे होंगे, नुकीले, है ना. और नुकीले क्यों होने चाहिए, ताकि वो प्रे के अंदर इस तरह से गड़ने में हेल्प करेगा उसको. नहीं तो मान लो इंसेक्ट को पकड़ा और खाया और पता चला इंसेक्ट ने विंग्स निकाले, उड़ने की कोशिश करेगा वो, तो वो मतलब होमोडोंट होते. एंड हमने पढ़ा था कि ओनली प्रेजेंट इन अपर जॉ. बताइए कोई परेशानी इसमें, है ना. फिर उसके बाद और कुछ नहीं है बकल कैविटी में, बस इतना ही था. अब बकल कैविटी जो है वो कहाँ पे ओपन होगा, ईसोफेगस के अंदर. और हमने अभी बोला था कि ईसोफेगस इसके अंदर क्या होगा, वेरी वेरी शॉर्ट. एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं हम लोग सीधा. बताइए ये क्या है, पहचानिए कौन हूँ मैं. अब पहचानो कौन हूँ मैं, लीवर है ये. क्या है, लीवर. अच्छा, अब आपने ये तो पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि लीवर से जो बाइल जूस सिक्रेट होता है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है, और ये सब जानते हो ना बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. लिखने की ज़रूरत है क्या मुझे, इमल्सिफिकेशन क्या होता है. हाँ देखो, ये फैट के, सुनो, हो सकता है जो वीडियो देख रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, है ना. तो फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना होता है, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन. इसकी ज़रूरत क्या है, फैट को डाइजेस्ट कौन करता है, लाइपेज एंजाइम. अब ये देखिए लाइपेज एंजाइम, एंजाइम को देखिए और सब्सट्रेट को देखिए, क्या इसके साथ बाइंड हो सकता है, है? एक कुत्ता पूरा हाथी को खा सकता है क्या, नहीं ना. तो एक काम करते हैं, हाथी की बोटी बोटी कर देते हैं और फिर कुत्ते को फेंक देते हैं, ठीक है, आप तो खा सकते हो उसको. तो एग्जैक्टली हमने इसका पता साइज छोटा करके क्या किया, उसको एक्टिव साइट पे अब आराम से फिट हो सकता है भैया. तो ध्यान रखना, बाइल जूस जो है बट फैट को कभी डाइजेस्ट नहीं करता है, वो सिर्फ फैट को इमल्सीफाई करेगा. इमल्सीफिकेशन का मतलब होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट में इसको कन्वर्ट कर देगा. ये आप भी कर सकते हो बेटा, घर में भी पानी की बोतल होती है, आधी पानी से भर दो, उसमें आप थोड़ा सा तेल डाल दो. आपने देखा होगा तेल सारा पानी के टॉप लेवल पे इकट्ठा हो जाता है और एक बड़ा गोल, है ना, ग्लोब्यूल बन जाता है उसका, ठीक है. अब आप बोतल के ऊपर ढक्कन दो और फिर बोतल को शेक करो, तो आपने देखा होगा सारे ड्रॉपलेट छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है. बस वही क्या था, क्या था, इमल्सिफिकेशन. तो आप तो सोचोगे मैडम फिर तो बाइल जूस की ज़रूरत ही नहीं है. तो कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आप कीजिए ऐसे, ठीक है, खुद कर लो इमल्सिफाई. तो ऐसे नहीं कर सकते ना. और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी पानी की बोतल को ऐसे फिर रख दो तो थोड़े समय क्या होगा, छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो है वापस में जुड़ जाएगी और जुड़ के वापस एक बड़ी फैट ग्लोबुल बन जाएगा, ठीक है. तो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस के अंदर बेसिकली जो बाइल सॉल्ट होते हैं, जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, वो इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट को कवर कर लेते हैं. तो क्या अब ये ड्रॉपलेट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ पाएगी, अब ये ड्रॉपलेट एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगी क्या, नहीं ना, तो ये वापस जुड़ेगी नहीं. तो मोरल ऑफ द स्टोरी, बाइल जूस का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाएगा. अच्छा बताइए ये डायग्राम क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे ईसोफेगस. और अभी हमने बोला था कि ईसोफेगस इसमें क्या होगा, वेरी 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 शॉर्ट. और ऐसा क्यों, बिकॉज इसमें नेक क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना.
फिर उसके बाद में ईसोफेगस जो है फाइनली कहाँ पे आके ओपन होगा, स्टमक के अंदर। तो ये जो ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, दिस इज स्टमक। अब आप जानती हो ना बेटा कि स्टमक के अंदर जो फूड होता है एसिडिक होता है। अच्छा, स्टमक में क्या रिलीज होता है, HCl और कौन सा एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। एंड पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, तो इसको ऐसे याद रख लो, पी पी पी, पेट में पेप्सिन, और पेप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन। अच्छा, अब मुझे बताओ कि स्टमक के अंदर जो फूड होगा वो एसिडिक होगा कि अल्कलाइन होगा, HCl है ना, तो यहाँ पे फूड कैसा हो जाएगा, और एसिडिक फूड को हम क्या बोलते हैं, काइम। टेंथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं लिख भी रही हूँ, तो काइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिडिक फूड को बोला जाएगा काइम। कोई परेशानी इसमें? फिर बताइए, यहाँ से जो खाना है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ड्यूडिनम है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, तो दिस इज ड्यूडिनम। अब ड्यूडिनम के अंदर बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ से आते, तो आपने पढ़ा था कि ये जो बाइल डक्ट होती है एंड साथ में यहाँ पे पैनक्रियास, हो सकता है एनसीईआरटी के अंदर पैनक्रियास का डायग्राम नहीं दिया होगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस माना जाता है, ठीक है, कि पैनक्रियास होता है इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ड्यूडिनम के अंदर, तो यहाँ से बाइल जूस भी यहाँ पे आ गया, पैनक्रेटिक जूस भी यहाँ पे आएगा, और मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा, ड्यूडिनम के अंदर। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपकी बॉडी के अंदर आपने कभी स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सीकम, नहीं, DJI, कैसे याद रखोगे, DJI, और लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कॉलन, और क्या होता है, रेक्टम होते, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, सीकम, कॉलन, रेक्टम। एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ, ट्रिक बता दो, तो आप याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका पहला पार्ट होता है, बाद में लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका लास्ट पार्ट होता है, बाकी सब गायब कर दो। तो यहाँ पे ड्यूडिनम प्रेजेंट होगा, यहाँ पे रेक्टम प्रेजेंट होगा, ये गायब कर दो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, ड्यूडिनम, क्या हुआ, चालू नहीं हुआ था क्या, नहीं चलने दो, कोई नहीं, तो इसमें ड्यूडिनम हो गया, और ड्यूडिनम के बाद, अरे ठीक है बेटा, ड्यूडिनम के बाद यहाँ पे सीधा कौन आ जाएगा बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सा, रेक्टम। एंड रेक्टम बताइए फाइनली कहाँ पे होगा, ओपन होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज क्लोइका, बताइए कोई परेशानी, ठीक है। तो ये बस आसान सा टॉपिक था, कौन सा, फ्रॉग का। हमने क्या पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, हैबिटेट मॉर्फोलॉजी, और एनाटॉमी में हम क्या पढ़ा है, सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक पढ़ा है, ठीक। चलो बाकी कल पढ़ते हैं।